पीएम मोदी ने दिए संकेत, 30 दिसंबर के बाद फिर से हो सकती है काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जापान से भारत लौट रहे पीएम मोदी, शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन का सफर किया, बोले भारत को है बुलेट ट्रेन का इंतजार। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है, भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं। दिल्ली में नोट बैन के खिलाफ व्यापारियों से मिलने गए केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी, मोदी मोदी के लगे नारे। नोट बैन पर कांग्रेस ने राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया, ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टी कांग्रेस एसपी बीएसपी से एकजुट होने की अपील की। बेकार बना दिया जनता ने, अभी देखो रो रो के मरते हैं और वो लोग देखो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बड़ा भाषण देता है। वित्त मंत्री ने कहा एटीएम को सामान्य होने में लगेंगे 2 से 3 हफ्ते, आज भी लगी लंबी कतार। 2 सप्ताह के करीब अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम के रिकैलिब्रेशन में लगता है। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बच्चों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। वृक्षों को वनों का प्रतीक मानकर उन